इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 5 दिवसीय प्रवास पर आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ की अगुवानी की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान भाजपा सरकार की लापरवाही से प्रदेश में निर्मित हुई, परंतु पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के प्रयासों से छिंदवाड़ा ने वह दिल दहलाने वाली परिस्थितियां नहीं देखी, किंतु प्रदेश के अन्य जिलों में लोग ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और फेविफ्लू की गोलियों के लिए भटकते रहे और इसे भाजपा के कई नेताओं ने अवसर समझा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की जेब खाली कर दी है। विभिन्न शासकीय भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरने की मोटी फीस युवाओं से वसूली गई। भूपेंद्र गुप्ता ने अंत में कहा कि भाजपा सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है, इसलिए वह नकल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अस्पतालों में बिस्तर बेचते हुए पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नकली रेमडेसिविर और उनकी फैक्ट्रियां चलाते हुए पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता नकली फेविक्रिल लाकर यहां पर दवाई पकड़े गए। और भी इससे बड़ी चीज जो दुनिया में कहीं किसी ने नहीं की, जो भारतीय जनता पार्टी ने वो ये कि ना तो WHO ने कहा कि प्लाज्मा से इसका इलाज होता है, ना भारत की जो सबसे बड़ी संस्था जो ये बताती है कि कैसे इलाज किया जाता है, ICMR उसने भी नहीं कहा। सांसद नकुलनाथ ने आज हरदा जिले के विधानसभा मुख्यालय टिमरनी में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर भाजपा को उनकी जन विरोधी नीतियों के लिए घेरते हुए प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की मांग की। नकुलनाथ ने जनसभा में कहा कि कमलनाथ ने किस तरह छिंदवाड़ा को एक विकास मॉडल बनाकर देश में पहचान दिलाई है और वे चाहते हैं कि संपूर्ण प्रदेश के हर गांव व नगर महानगर में बदलें और इस बदलाव के लिए प्रदेश में सरकार को बदलना होगा। नकुलनाथ ने इस अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार केवल कमीशनखोरों की सरकार बनकर रह गई है। नगर पालिक निगम अध्यक्ष सोनू मागो ने आज वार्डों में अपनी विधानसभा चुनाव के लिए जनसंपर्क किया और लोगों से ज्यादा मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान जनसंपर्क में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पेट्रोल पंप से लेके सुकलू ढाणा तक वार्ड तक कैंपेन किए और जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के अपील किए कि माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और उन्हें प्रचंड बहुमतों से जिताना है। हम सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रदर्शन करते हैं जो उन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया। कमलनाथ हर कार्यकर्ता हर घर में जहाँ भी जाते हैं वो यही बोलते हैं, हमको कमलनाथ को नहीं मुख्यमंत्री को वोट देना है। और पूरी ताम झाम के साथ अभी 17 तारीख से पहले तक पूरे कार्यकर्ता अपने जोश खरोश के साथ अपना तन मन धन सभी चीज लगाते हुए कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये सभी ने कसम खाए हैं। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत कोपर खेड़ा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे अमरवाड़ा सिविल अस्पताल लाया गया है। हादसे में कार में सवार अन्य 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए, लेकिन चालक को हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकाला और घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर लोधीखेड़ा थाना अंतर्गत सतनूर बैरियर के समीप तेज रफ्तार कार ने मजदूरी करने आए श्रमिक को रौंद दिया। हादसा इतना दर्दनाक था कि इस
इस घटना में श्रमिक को गंभीर चोटें आई थीं। मजदूर साथियों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया, जहां प्राथमिक जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। इस दशहरा और दिवाली में पाएं आशुतोष कंप्यूटर में ऑनलाइन से भी सस्ते दाम में लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आएं आशुतोष कंप्यूटर, M34 फर्स्ट फ्लोर, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, छिंदवाड़ा, और आनंदी कॉम्प्लेक्स, जमाई रोड, परासिया। मोबाइल नंबर 9939773161, 9302773161। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास बैको के एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर पधारे नियर इलेक्ट्रॉनिक्स, DDC कॉलेज के सामने, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566, 9165866666। नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर एक कुबोटा ट्रैक्टर। संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, चार फाटक, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई, सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेफ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP, और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। चौराई कृषि उपज मंडी में मक्के की आवक में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। त्योहार भी नजदीक आ रहा है एवं मौसम भी बिगड़ने के आसार बन रहे हैं, जिसके चलते किसान बड़ी संख्या में मंडी में मक्का की उपज लाकर बेच रहे, लेकिन मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला रविवार की शाम कृषि उपज मंडी में सामने आया, जहां किसानों के द्वारा बड़ी संख्या में मंडी परिसर में मक्का तो लाया गया है, लेकिन देर शाम तक बोली नहीं लगने के चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसानों ने बड़ी संख्या में मंडी परिसर में मक्का तो लाया है, लेकिन बोली नहीं लगने के चलते मक्का मंडी परिसर में खुले में रोड पर पड़ा रहा है। कोंडीपुरा पुलिस ने रविवार को घाट परासिया के कसार ढाना में एक व्यक्ति के कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 25,000 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि घाट परासिया कसार ढाना के पास एक व्यक्ति गांजा बेचने फिराक में घूम रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति थैला लेकर संदिग्ध हालत में घूमता मिला। पुलिस टीम को देखते ही व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। टीम ने घेराबंदी कर व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ की तो आरोपी तेजराम पिता मोहर सिंह वर्मा ने बताया कि वह गांजा बेचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह गांजा बेचता इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। आज गोलगंज स्थित वीतराग भवन में शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्य हेतु 15 अगस्त को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मनीषा जैन को श्री दिगंबर जैन मुमुक्ष मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं प्रियकारिणी महिला मंडल द्वारा विशेष समारोह में सम्मानित किया गया। क्योंकि उनको कहीं पर भी बातें सुनने को नहीं मिलती है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा कक्षा में जाऊँ और बच्चों से बातचीत करूँ, और इसी का परिणाम है कि बच्चे बहुत अच्छा सीख पाए, और उसका और परिणाम ये है कि राज्यपाल महोदय ने सम्मानित किया। तो ये तो हमें हर जगह करना है, घर में भी हमको बच्चे की हृदय को जानना है, मस्तिष्क को पढ़ना है और उनके भविष्य को करना है।
बाड़ा जैन समाज के साथ में मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और सर्वोदय अहिंसा के लिए जिन शासन की प्रभावना के लिए कार्य करने वाली हमारी बहन डॉक्टर मनीषा जैन को शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्यपाल महोदय के द्वारा जो सम्मानित किया गया था, उसकी खुशी में वितराग विज्ञान भवन में हमारे मंडल एवं फेडरेशन की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। मैं सकल जैन समाज के साथ में हमारे फेडरेशन और मंडल की ओर से डॉक्टर मनीषा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पांडुरना ग्राम पारडी निवासी 75 वर्षीय किसान निम्बाजी बारंगे रविवार सुबह पटरी पार करके खेत जा रहा था, उसी दौरान ट्रेन की चपेट में आ जाने से किसान की मौत हो गई। जीआरपी एवं पुलिस द्वारा शव का पंचनामा करके परिवार की उपस्थिति में पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया।